सावन के महीने में महाकाल की नगरी उज्जैन का एक अलग ही स्वरूप देखने को मिलता है। सावन के दूसरे सोमवार को महाकाल की नगरी उज्जैन में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में भक्त ज्योतिर्लिंग महाकाल में भगवान भस्म रमैया के दर्शन करने पहुंचे। देश भर से आए 2500 श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी गई। श्रद्धालु भक्ति भाव के साथ शिवालयों में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिण मुखी बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो बाबा महाकाल के नाम से भी प्रसिद्ध है। सावन के दूसरे सोमवार के दिन मंदिर में 2:30 बजे गर्भगृह के पट खोले गए। इसके बाद 3:30 बजे से 5 बजे के बीच मंगला आरती की गई, जो पूरे देश में भस्म आरती के नाम से विख्यात है। भस्म आरती देखने के लिए पूरे देश के कोने कोने से भक्त महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि महाकाल के चरण में उन्हें शांति मिलती है। हम बाबा महाकाल के दर्शन के लिए बार बार आते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और वो भस्म आरती तो हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, वो तो हम कई बार करा चुके हैं और बहुत ही अच्छा आनंद आता है। महाकाल के मंदिर में आने से हमें कुछ शांति मिलती है। सावन के दूसरे सोमवार को भी श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़त दिखाई दी। देश भर के कोने कोने से भक्त बाबा की एक झलक पाने और उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे। बाबा महाकालेश्वर का पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि सावन के महीने में यहाँ भक्तों का उल्लास देखने को मिलता है। भस्म आरती पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों में नहीं होती, बस बाबा महाकालेश्वर को भस्म आरती रमाया जाता है। परंपरा अनुसार जो पूजा आरती जो होती है, जिसे हम भस्म आरती के नाम से जानते हैं और भस्म आरती के नाम से आरती की जाती है, लेकिन भगवान महाकालेश्वर की ये मंगला आरती है और इस मंगला आरती में भगवान को भस्म स्नान पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं होते हैं, केवल महाकालेश्वर को भस्म स्नान होते हैं, इसलिए इसको भस्म आरती के नाम से पूरे देश में प्रख्यात है और जाना जाता है। बता दें, सावन के पूरे महीने में बाबा का आम दिनों की तरह ही श्रृंगार पूजन होता है, लेकिन सोमवार का दिन थोड़ा विशेष हो जाता है। इस दिन बाबा का विशेष पंचामृत अभिषेक किया जाता है। आज देर शाम 4 बजे बाबा शाही ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर भक्तों का हाल जानने निकलते हैं।